तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। जी हाँ, हमारे जो एक्सेल मेनू बार है, एक्सेल मेनू बार के अंदर जो हमारा होम एक्सेल होम मेनू बार के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। पेस्ट स्पेशल बहुत ही कॉमन सी चीज है जो यूज किया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजें है नई है जो कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होती है। एक छोटा सा मैं डेटा बना रहा हूँ, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। बड़े डेटा आपको इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, इसलिए एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं। फॉर्मूला में बराबर यूज करूंगा रैन बिटवीन का, रैंड बिटवीन रैंडम नंबर देता है ये, हमेशा यूज करता हूँ मैं। ठीक है, ये रैंडम बिटवीन क्या करता है, हर बार अपना नंबर को चेंज करता है। सर, एक चीज पूछनी है। हेलो आप पूछिए ना, क्या पूछना है। सर, हमारे एक्सेल में जो रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जब भी हम उसे एंटर कर रहे हैं तो बार बार उसमें नंबर चेंज हो रहा है। हाँ, रैन बिटवीन का काम यही है, ओटीपी का टाइप होता है कि हर बार अपडेट होता है। हाँ जी। ठीक है, तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला इसलिए वर्क करता है। तो एक सामने आपका एक डेटा दिख रहा है, राइट। तो एक जी होता है सर। कॉपी पेस्ट, मतलब कि आपने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया एंड पेस्ट किया। जी सर। आता है इसमें पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पेस्ट स्पेशल आपको अलाउ करता है कि भाई आपने जो एरिया कॉपी किया है उसमें का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो पेस्ट कीजिए। जैसे कि मैं इसका सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट पेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर्मूला को सिलेक्ट करके ओके किया तो क्या हुआ कि इसकी सारी फॉर्मेटिंग वगैरह हट गई, फॉर्मूला आया। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर क्यों पेस्ट हुआ। का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, या कोई फॉर्मूला हो, इस फॉर्मूला बार को की जो डेटा है उसको लेके पेज। दूसरा ऑप्शन आता है पेस्ट एज वैल्यू, मतलब जो कंटेंट बाहर दिख रहा है 28 29 54 जो बाहर दिख रहा है ये दिखेगा, इसके फॉर्मूला और ये वैल्यू कैसे आया है इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, एज ए वैल्यू उस पे काम करता है। तो हाँ, देखिए फॉर्मूला रिमूव कर दिया। और कभी क्या होता है, हमें फॉर्मूला रिमूव करने का काम करता है, तो सर कॉपी पेस्ट करते फॉर्मूला रिमूव हो गया, लेकिन नहीं, मुझे फॉर्मूला कॉपी करके कहीं और लोकेशन पे नहीं ले जाना है, उसी लोकेशन पे उसकी फॉर्मूले को रिमूव करना है। जी सर। आप उसको कॉपी कर लीजिए और उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और आप कर दीजिए पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू एंड ओके कर दीजिए। ठीक है सर। विदाउट इसमें नो सर। बाद अब छोटे मोटे चीज है, जैसे इसका यूज हम ऑफिस में काफी ज्यादा करते हैं, जैसे रिपोर्ट है, किसी रिपोर्ट का आपको भेजना है तो जी उसको सर। हम काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। जी सर। जैसे कि कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मेट कर दिया। कमेंट जैसे मान लीजिए हमें हम लोग एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके न्यू कमेंट पे जाते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि दिस इज फाइनल,
जब कर्सर इस पे जाएगा तो दिखेगा। मुझे सिर्फ इसकी कमेंट को पेस्ट करना है तो कमेंट को सिलेक्ट करूंगा, जहां पेस्ट करना है उस लोकेशन पे जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम कर देंगे कमेंट एंड नोट, सिर्फ कमेंट नोट पेस्ट होगा। उसी चीजें मान लीजिए हम डेटा ही पेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे बॉर्डर जो है लिखा हुआ बॉर्डर नहीं चाहिए। कॉपी किया पेस्ट स्पेशल और इसमें हमने यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर दिख रहा है वो हटा दिया। कभी क्या होता है कि जब हम डेटा और रिपोर्ट बनाते हैं, कोई रिपोर्ट डेटा बनाते हैं, तो हम कॉलम के साइज को अपने अकॉर्डिंग फिट कर देते हैं ताकि हमारा रिपोर्ट है वो एक पेज पे एक लोकेशन पे दिखे, जितना चाहिए उतना हम कर देते हैं। ठीक है जी सर। तो इसको कॉपी जब आप करते हैं और कहीं पेस्ट करते हैं, माफ कीजिएगा मैं एक मैसेज देख रहा था। हाँ जी सर। करते हैं तो क्या होता है, इसका जो है आपका जो साइज सेम साइज नहीं आ रहा, डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि साइज हटा देता है। ठीक है ना जी सर। तो कभी कभी दिक्कत होती है तो कैसे करें, तो इसके ऊपर हम पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल करते हैं और इसमें आपका कॉलम विड्थ आता है, तो कॉलम बर्थ जो है यहां करते फिर वापस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ कॉलम की बर्थ पेस्ट करती है, पूरा डेटा नहीं। कॉलम बर्थ आपने किया तो सिर्फ कॉलम का बर्थ पेस्ट किया जी सर। ठीक है जी सर। अब इसके ऊपर मैं अगर आपको दोनों चाहिए इकट्ठा दोनों चाहिए तो आप पेज स्पेशल में ये देखिए आइकन होता है, आइकन में आपका ये आएगा कीप सोर्स कॉल ऑन बिर्थ, इस पे क्लिक कीजिएगा दोनों आएगा। अब डेटा में मैं थोड़ा सा डेट डाल देता हूँ, यहाँ डेटा के अंदर में मैंने डेट डाल दिया। डेट में क्या होता है कि जब डेट को कॉपी पेस्ट करते हैं
तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि ये नंबर है क्या, ये नंबर है क्या, सबसे पहले इसको जानते हैं। पता है नंबर नंबर क्या है? सर ये डेज काउंट कर रहे हैं। जी हाँ, जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से डेज को काउंट कर रहा है। हाँ जी सर। ठीक है जी सर। तो अब इस पे कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 1st January 1900 से, तब से डेट काउंट कर रहा है। कि आपने 1st January 1900 से पहले का जो टाइम है, जैसे कि मान लीजिए मैं डेट लिख दिया यहाँ पे August 1897, तो ये डेट नहीं माना जाएगा, टेक्स्ट होगा, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। करना है जैसे मुझे से 20 दिन जोड़ने हैं, तो सिंपल से इसको प्लस 20 कर दीजिए, 20 दिन का डेट आ जाएगा। या दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट दीजिए, आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये नंबर होता है, ये जो है दिखता ऐसा है, लेकिन जब ये जनरल फॉर्मेट में आता है, ओरिजिनल फॉर्मेट में आता है, हम इसको कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट। तो डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है, तो उस डेट के फॉर्म को भी रिमूव कर देता है। तो दोबारा से आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए यहां से, या कंट्रोल शिफ्ट हैश या फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं। या एक तरीका है कि आप इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में यहां आपके सामने होता है फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट। मतलब जो डेटा में डेटा की जो नंबर की फॉर्मेटिंग है, सिर्फ हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, डेट की नहीं बात कर रहे हैं, पूरी नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे आपका ये होता है डेट में डेट का फॉर्मेट है, डॉलर साइन है, ये सब चीज है। ठीक है ना? ठीक है सर। उस सब चीजों में आप यूज कर सकते हैं। ओके जी सर। तो ऐसा करेंगे तो सब कुछ मतलब नहीं आएगा, सिर्फ डेट की फॉर्मेट आएगी, बाकी सारा चीज हट जाएगा। जी सर। दोस्तों तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है ऑपरेशंस का। जैसे मैंने यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, मैंने 20 को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो 30 रिप्लेस हो गया। बट मुझे इस पे पेस्ट स्पेशल पे जाके मुझे इसमें यहाँ पे ऑपरेशन में देखिए ऐड आता है। अरे डिफॉल्ट नन होता है, जबकि डिफॉल्ट ए आपको नन दिखता है। ठीक है। तो अगर आपने ऐड पे क्लिक कर दिया तो दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा। जी सर। अब प्रॉब्लम आती है कि इसका हम ऑफिस में क्या यूज करेंगे, अपने ऑफिशियल लाइफ में हम इसका यूज करेंगे तो क्या चीज करेंगे? तो इस ऑफिस में जो हम इसका यूज कर रहे हैं कई सारे जगहों पे करते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के कुछ नंबर्स ले लिए, तो एक बार डेसिमल्स को जानिए कि आखिर डेसिमल होता क्या है, माफ कीजिए परसेंटेज क्या होता है, पहले हम परसेंटेज को जानते हैं। मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे 20% लिखना है तो 20 एंड परसेंट का साइन डालूंगा, फिर एंटर मारूंगा तो 20% आ गया। जी सर। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 20 टाइप किया बाद में इसके ऊपर परसेंटेज करना है तो 2000% हो जाएगा। जी सर। मतलब कि बाद में परसेंटेज डालना है तो 0.20 करेंगे और इसके ऊपर फिर हम परसेंट का साइन डालेंगे। ठीक है जी सर। समझ गए? यस सर। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आता है कि मुझे सबको करना है तो मैं 100 किसी और सेल पे लिखूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, पूरे सेलेक्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल और इस पे मैं करूंगा यहाँ पे डिवाइड, हर नंबर मैं 100 से डिवाइड करके जैसे ही ओके करूंगा आप पॉइंट्स में आ जाएगा। पॉइंट्स में जाएगा तो परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, और भी चीजें यूज की जा सकती है। राइट जी सर। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स डालता हूँ, क्या होता है कभी कभी हमें बहुत सारे नंबर्स में से कुछ नंबर्स को एडिट करना होता है, मतलब अपडेट करना होता है। इसी नंबर दे दीजिए ना, तो इसमें पता चला कि कुछ नंबर चेंज हो गए हैं, 98 है, कुछ नंबर यहाँ पे 45 है, कुछ यहाँ पे मान लीजिए 74, मुझे इसको इसको अपडेट करना है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे आता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक करने से क्या हो जाएगा, ये पेस्ट होगा इसका ब्लैंक स्किप हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ब्लैंक सेल है उसको कॉपी से बाहर रख देगा। पेस्ट सिर्फ क्या करेगा, जो नंबर से उसी को। यस सर। ना गया? जी सर। अब बारी आती है अगली टॉपिक, बट अगली टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको मैं एक पिक्चर लुकअप नाम का फॉर्मूला ये दे रहा हूं। जी एक वीडियो दे रहा हूँ पिक्चर लुकअप नाम का। जी सर। मैं शेयर कर दिया, शेयर व्हाट्सएप मैंने भेज दिया। ठीक है जी सर, वीडियो को देख लीजिए, फिर हम कल की क्लास में अगली क्लास में इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं कल मॉर्निंग में फ्री हुआ तो मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है ना? जी सर। नहीं तो फिर हम मंडे मिलते हैं। सर आपकी कोई बुक्स नोट्स कुछ अवेलेबल है? मैं दूंगा, अभी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्लासेस ले लीजिए उसके बाद। ओके सर। ठीक है, मैं वो सब प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी क्या है अभी वो समझ में नहीं आया, मेरी बुक जो है वो बिगिनर के लिए नहीं है। ओके सर। तो कुछ क्लासेस बाद में दूंगा। जी ठीक है सर। ठीक है ओके सर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर।